नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में एक तरीके से कह सकते हैं मौत का मंजर जारी है। ना जाने पिछले कई दिनों में कितने बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया और आज भी कितने बच्चे हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सवाल उस सरकार पर उठ रहा है कि ये सरकार आखिर इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई है? क्या सरकार की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी संवेदनाएं मर गई हैं, या फिर वो सत्ता के अलावा कुछ नहीं देखते और चुनाव बीत जाने के बाद फिलहाल कोई चुनाव नहीं है इसलिए आमजन की समस्याओं से उनका सारा मोहमाया छूट गया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि आखिर 100 से ज़्यादा बच्चों के मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये जो दिमागी बुखार है जिसे बिहारी भाषा में चमकी बुखार कहा जा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 2012 से चलता आ रहा है और 2014 में भी इस तरीके का जब एक बड़ा प्रकोप आया था दिमागी बुखार का, तब यही डॉक्टर हर्षवर्धन गए थे और वहाँ कई तरीके के आश्वासन देकर आए थे और कहा था कि इस पर रिसर्च चल रहा है और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 5 साल बीत गए, 2019 में एक बार फिर से वही मंजर देखने को मिल रहा है, वही माताओं की आंखों के आंसू सूख जा रहे हैं रोते रोते, लेकिन ये सरकार है कि इसकी आह तक नहीं निकल रही है। क्या कहें, किसको दोष दें, किसको अपना वो दुखड़ा सुनाएं जिनके गोद उजर गई हैं, जिनके बच्चे अभी तो खेलना शुरू किया था, उन्हें क्या पता था कि ये बस चंद दिन के मेहमान हैं। नेताओं की असंवेदनशीलता इतनी गंभीर हो गई है कि कहने को कहें तो बहुत कुछ कहने का मन होता है, लेकिन कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उन माओं के आंसू बहुत कुछ कहने से रोक लेती हैं। मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में अभी भी 400 से ज़्यादा बच्चे इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की समस्याएं हैं वो अलग हैं, वहाँ पर व्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं वो अलग है, और नेताओं की जो समस्याएं हैं वो भी अलग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे पहले बात करते हैं। जब ये मामला बढ़ा तो नीतीश कुमार ने पटना में ही एक संवाददाता सम्मेलन में, वो संवाददाता सम्मेलन किसी और उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि हाँ, ये दुख की बात है, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, हम कर रहे हैं, हम व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने बस तामझाम करने के बाद सबसे बड़ी बात यही की कि दुख जता दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर जाना भी सही नहीं समझा। वो दिल्ली आते हैं, नीति आयोग की बैठक में शामिल होते हैं, पुराने नेताओं से मुलाकात करते हैं, पर मुजफ्फरपुर नहीं जाते। पटना से 72 किलोमीटर की ही दूरी है। ये नीतीश कुमार की संवेदनशीलता है। ये सवाल दोबारा इसलिए भी उठ रहा है कि इससे पहले जब नीतीश कुमार के ही राज में सारण के मशरक में 23 बच्चों की मौत हुई थी मिड डे खाने के बाद, तो भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। ऐसे में लगातार सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री वही हैं और वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो लाचार हैं, क्योंकि उनकी सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है। अब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बारे में बात करते हैं। मंगल पांडे बिहार के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और एक तरीके से कह ले कि भाजपा संगठन के बड़े मंत्री हैं। उनके ऊपर बिहार के स्वास्थ्य समस्याओं को एक तरीके से देखने की जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन वो लाचार नजर आ रहे हैं। बवाल बढ़ा तो मुजफ्फरपुर पहुँचे, तमाम चीज़ों का एक तरीके से दिशा निर्देश तो दिया, लेकिन बदलने के लिए बस एक चीज़ ही बदला कि जो मरीज नीचे फर्श पर लिटा कर जिनका इलाज किया जा रहा था उन्हें बिस्तर दे दिया गया, लेकिन उस बिस्तर पर भी 2-3 मरीज पहले से मौजूद थे। यानी कि एक बिस्तर पर हालात ये हो गए थे कि 3 से 4 बच्चों का इलाज चल रहा था। बवाल बढ़ता गया, केंद्रीय मंत्रालय तक ये बात पहुंचा, लगातार ये केंद्र की तरफ से कहा जाने लगा कि एम्स के डॉक्टर वहां गए हैं,
रिसर्च चल रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चों के जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता गया। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी तो बढ़ता क्यों गया आंकड़ा? क्या सिर्फ ये कहने की बातें थी? खुद हर्षवर्धन गए जब रविवार को, तो उन्होंने अस्पताल का मुआयना करने के बाद ये मान लिया कि हाँ, व्यवस्थाओं में कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि जो भी इसके लिए मुमकिन होगा वो सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश का क्या जिसने अब तक 100 से ज़्यादा बच्चों की जान ले ली है? आखिर यह सरकार जगेगी कब? क्योंकि जब सरकार के मंत्री, जिनके ऊपर ही देश के स्वास्थ्य को चलाने का जिम्मा है, वही सो रहे थे। हम बात अश्विनी चौबे की कर रहे हैं। चौबे जी बिहार से आते हैं, केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, यानी कि हर्षवर्धन के जूनियर। उन्होंने अपने चुनावी जीत का जश्न मनाना ज्यादा वाजिब समझा मुजफ्फरपुर जाने के बजाय। उन पटना वो गए थे, पटना के बाद उनको ये बात अच्छे से पता थी कि मुजफ्फरपुर में इस तरीके की हालात हैं। वो मुजफ्फरपुर नहीं जाते हैं, अपने गृह नगर भागलपुर जाते हैं, जहां वो चुनाव में मिले जीत का जश्न में शामिल होते हैं। उनसे जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो सीधे कह देते हैं कि लीची खाने से मौत हो रही है। क्या लीची खाने से मौत हो रही है? वो कैसे बता रहे हैं जब डॉक्टर बताने में अब तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो वो किस आधार पर ये बता रहे हैं कि लीची खाने से मौत हो रही है? इसके अलावा और भी असंवेदनशील बात वो तब करते हैं जब वो सीधे कह देते हैं कि चुनाव की वजह से इस बार जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। क्या नेता जागरूकता अभियान चलाते हैं? सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर नेता जागरूकता अभियान चलाते होंगे तभी ये जागरूकता अभियान चुनाव की वजह से नहीं चली है। लेकिन नेताओं की संवेदनशीलता का मामला और भी बढ़ता जा रहा है। जब हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके बगल में यही अश्विनी चौबे, जो कि बक्सर से सांसद हैं, नींद मार रहे थे। अपने आप में ये शर्मसार करने वाली बात है कि जिस देश के नेता इस तरीके के हो, उस देश की प्रजा का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। खैर, डॉक्टर्स हैं तभी हम मरीजों का इलाज संभव है। यूं ही डॉक्टर्स को एक तरीके से ईश्वर का रूप नहीं कहा जाता, लेकिन आज ये डॉक्टर्स परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर्स को मारा पीटा गया, उसके बाद से लगातार देश भर के डॉक्टर उसका विरोध कर रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं। आज भी देश भर के कई शहरों में डॉक्टर्स बंगाल की उस घटना का विरोध कर रहे हैं और ये लड़का लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कड़ा प्रावधान किया जाए। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स भगवान तो हम उनको मानते हैं, लेकिन वो भगवान होते नहीं हैं। उनके हाथ में भी उतनी ही शक्तियां हैं जितनी हाथ में हमारे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स को किसी भी चीज़ का बलि का बकरा बनाकर उन पर मारपीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज वो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं तो न जाने कितने मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। खुद दिल्ली में सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में हजारों मरीज एक दिन में अस्पताल जाते हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि कहीं नेता की वजह से और कहीं डॉक्टर की वजह से दिक्कत आम इंसान को हो रही है। उम्मीद करते हैं सरकार जगेगी, सरकार उस भारत के भविष्य को लेकर जगेगी जिसने अभी तक बस आंखें ही खोली थी, दुनिया देखने बाकी थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप भी अपनी संवेदनशीलता को जगाए रखेंगे और ऐसी चीज़ों में सरकार से ज़रूर सवाल पूछेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें हमारी वेबसाइट www.prabhasakshi.com पर अवेलेबल है। नमस्कार।